नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाकर समाज में भय का माहौल उत्पन्न करना एक कानूनी अपराध है। थाना नंबर 2 के प्रभारी बलदेव सिंह ने मोबाइल से फॉरवर्ड हुए फेक वीडियो के आधार पर वीडियो वायरल करने वाले नई आबादी निवासी युवक विनोद कुमार को तुरंत हिरासत में ले लिया। मात्र कुछ घंटों की हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने उक्त युवक के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसका आज मेडिकल करवाया गया। डीएसपी राहुल भारद्वाज ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना सबसे बड़ा जुर्म है और इस प्रकार की हरकतें करने वालों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जहां वीडियो वायरल करने वाला युवक को काबू किया गया है, वहीं इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, ताकि लोग इस प्रकार की हरकत ना करें। दोस्तों, रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए नए अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। जय भारत, जय हिंद। जन्म 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ते ईटीडी मैट्रिक डिसीजेज एक्ट 1997 दी सेक्शन 3 ते 188-105 1B IP सेक्ट अंगेस्ट उन्दे खिलाफ मुकदमा नंबर 54 दर्ज किया है। ये अगेंस्ट ये आरोप सी भी इन्हें एक निशई बंदा सी जिहड़ा वरियाम नगर तो जिहड़ी एम्बूलेंस जिहड़ी उन्हूं लैके आ रही सी ते उहदी वीडियो बना के इन्हें लोगों ने गलत आइडियो वायरल की है भी अबोर एक करोना पॉजिटिव का एक मरीज मिले है, जिस संबंधी इन्हें गलत लोगों को अफवाह लैके गुमराह किया, जिस करके इन्हें अगेंस्ट आम मुकदमा दर्ज करके दोषी विनोद पुत्र राय साहब वासी है जी अपना वासी है गली नंबर 19 नई वादी वो ये को जिदे जिस मोबाइल से इन्हें जी वीडियो लोगों वायरल की मोबाइल अभी रिकवर कर लिया है। तो वो जी कोई जी वीडियो वायरल होती फुटेज कढ़ा के वो अगेंस्ट ढुकमी एविडेंस ला के खिलाफ एविडेंस कोर्ट पेश की जाएगी।